प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 1 का ए, √6 = यहां पे देखिए रिक्त स्थान है, ठीक है, तो √6 को हम लिख सकते हैं 6 का घात 1/2। क्या लिख लेंगे? 1/2, यानी हम रिक्त स्थान पे क्या भर देंगे? 1/2। √6 = हम क्या लिख सकते हैं? 6 का घात 1/2, ठीक है, √6 = 6 का घात 1/2। यानी कोई भी संख्या अगर रूट में है तो उस पर क्या रूट हटा करके हम लिख सकते हैं? 1/2 घात उसका, ठीक है। तो दोनों बराबर है, चाहे √6 लिखें या 6 का घात 1/2 लिखें, एक ही बात है। तो इस तरह हम यहां पे रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? 1/2। बी बी में क्या दिया हुआ है? यहां पे देखिए 3 है, यानी 5 का घनमूल निकालना है। देखिए यहां पे जब 3 हो तो इसका मतलब क्या है? 5 का घनमूल निकालना है, 5 का घनमूल। और जब कुछ नहीं है तो वर्गमूल, इसको क्या समझना है? वर्गमूल, यानी 6 का वर्गमूल, ठीक है। जब सिर्फ इस तरह का चिन्ह है तो समझ लेना है कि 6 का वर्गमूल, यानी यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या समझना है? यहाँ पे 2 है, यानी 6 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का घात 1/2। अब देखिए यहाँ पे 5 का घनमूल, यानी यहाँ पे 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में? क्या लिखेंगे? तो 5 का घात कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख लेंगे सबसे पहले, बटा। अब यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख लेंगे, यानी 5 का घात 1/3। तो जब 5 का घनमूल निकालना हो, इस तरह से लिखा हो, तो हम लिख सकते हैं 5 का घात 1/3, ठीक है। और यहाँ पे जब कुछ नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? 2 है, यानी 1/2 लिखेंगे, 6 का घात 1/2। यहाँ पे क्या है? 2 है। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे समझना है कि 2 है, देखिए यहाँ पे 2 लिखना है। अब यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और 5 का घात कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे ऊपर में, जैसे यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे सब समझ में आता जाएगा। अब देखिए 7 का घात 2, और फिर यहाँ पे 3 है, फिर 7 का घात कितना होगा? देखिए 7 का घात 2 का घनमूल निकालना है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है? घनमूल निकालना है। किसका घनमूल निकालना है? 7 का घात 2 का घनमूल निकालना है। तो 7 का घात कितना है? 2 है, तो 2 सबसे पहले लिख लेंगे, बटा। देखिए 7 का घात 2 है तो 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 को नीचे लिख लेंगे, यानी 7 का घात 2/3 हम लिख सकते हैं। तो 7 का घात 2 का घनमूल को हम लिख सकते हैं 7 का घात 2/3। तो देखिए ये जो घात है संख्या का, ये ऊपर रहता है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो नीचे रहता है, यानी हर में। जैसे यहाँ पे कोई घात नहीं था तो 1 लिख रहे थे ऊपर में, देखिए यहाँ पे 2 घात है तो ऊपर में 2 लिख लिए, और यहाँ पे कोई घात नहीं था 5 के ऊपर तो 1 लिख लिए। जब कोई घात नहीं हो तो 1 लिख लेंगे, यहाँ भी देखिए कोई घात नहीं है 6 के ऊपर तो 1 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे घात 2 है तो 2 को ऊपर लिख लेंगे, और बटा में 3, 3 कहाँ से आया? यहाँ से, ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। डी डी में क्या है? 7/11, 7/11 का 4वां मूल निकालना है। देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 7/11, तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब तो हम समझ गए कि घनमूल निकालना है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, लेकिन 4 रहने पे तो इसको हम कहेंगे 7/11 का 4वां मूल, 4वां मूल, मूल कहेंगे, वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 4वां मूल। तो 7/11 का 4वां मूल, तो 7/11 का घात क्या है? कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे 4वां मूल है, यानी 4 लिख लेंगे यहाँ पे।
तो 7/11 का चारवां मूल को हम लिख सकते हैं 7/11 का घात 1/4 इस तरह से। ई, तो ई में है 36 का घात 1/4, 36 का घात 1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, तो क्या भरेंगे, तो 36 का घात 1/4 है, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ 36 का चारवां मूल, यानी यहाँ पे बस 36 लिख देंगे, घात एक है देखिए, तो इसलिए यहाँ पे कोई घात नहीं देंगे क्योंकि एक है ऊपर में और बटा में 4 है, तो 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पे 36 लिख देंगे, यानी 36 का चारवां मूल, तो 36 का चारवां मूल को हम लिख सकते हैं 36 का घात 1/4, ठीक है। उल्टा देखिए, जैसे इसमें हो रहा है 7/11 का घात 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/11 का चारवां मूल, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 1/4 इस तरह, तो 1/4 इस तरह लिखें चाहे बटा में इस तरह लिखें एक ही बात है, देखिए प्रश्न में इस तरह दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 1/4, तो 1/4 ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें बटा में, दोनों बराबर चीज़ है, तो 36 का घात 1/4 को हम लिख सकते हैं 36 का चारवां मूल। एफ, एफ में है 35 का घात 2/7 बराबर 35, और यहाँ पे सातवां मूल है, ठीक है, देखिए 35 का घात 2/7 है, तो 7 तो यहाँ पे आ गया है, बटा में 7 है तो 7 तो यहाँ पे आ गया है, दो देखिए दो है ऊपर में यानी दो यहां भर देंगे, तो 35 का घात 2 का सातवां मूल को हम लिख सकते हैं 35 का घात 2/7, तो 35 का घात 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 35 का घात 2 का सातवां मूल। जी, जी में क्या है 11/13, 11/13 का घात 3/5 बराबर 11/13 का घात 3। अब देखिए यहां पे रिक्त स्थान दिया है, कहां पे दिया है यहां पे, तो क्या भरेंगे यहाँ पे, तो 11/13 का घात 3/5 है, क्या है 3/5 है, तो 3 तो यहाँ पे आ गया है, देखिए 11/13 का घात 3, तो ये तो ठीक है, 5, 5 कहाँ जाएगा, 5 को यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ देखिए ये रिक्त स्थान है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ 11/13 का घात 3 का पाँचवा मूल को हम लिख सकते हैं 11/13 का घात 3/5, तो 11/13 का घात 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 11/13 का घात 3 का पांचवां मूल। एच, एच में क्या है 113/117 का घात -3/5, -3/5 बराबर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 113/117 और यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो देखिए 113/117 का घात -3/5 है, क्या है -3/5 है, तो 5 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, -3 कहाँ पे जाएगा, तो -3 जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यानी जो ऊपर में रहता है अंश में वो घात बन जाता है संख्या का, और जो बटा में रहता है वो मूल रहता है, तो 113/117 का घात -3/5 को हम लिख सकते हैं
113 बटा 117 का घात माइनस 3 का पांचवा मूल, 113 बटा 117 का घात माइनस 3 का पांचवा मूल। तो इस तरह प्रश्न पहला हल करेंगे।